हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सतनाम टेक में। तो दोस्तों, ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के सेकंड T20 मैच के बारे में। कुछ अपडेट देनी है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं इनका प्लेइंग 11 आपको दिखा देते हैं दोस्तों एक बार। यहाँ पे जो पाकिस्तान का प्लेइंग 11 है दोस्तों, इसकी एक न्यूज़ आ रही है कि इसमें से भी कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, जो इनका विनिंग कॉम्बिनेशन उसके साथ ही जाएंगे और सेकेंड T20 मैच जीतने के बाद ही थर्ड T20 में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं फ़खर जमान, बाबर आजम, हुसैन तलत, सरफराज अहमद, शुएब मलिक, आसिफ अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और हसन अली में से कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर मोस्टली एक चेंज किया जाता है तो मोहम्मद आमिर की जगह पे शाहीन अफरीदी खेल सकते हैं, पर इसके चांसेस बहुत कम है, 40% चांसेस कहूँगा मैं। अगर होते हैं तो मोहम्मद आमिर की जगह पे शाहीन अफरीदी को खिलाया जा सकता है। बस दोस्तों, यही एक चेंज होगा। और वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ की मैं आपको बता दूँ, वेस्ट इंडीज़ में टोटल स्क्वाड 13 का था दोस्तों, उसमें से वीर सैमी परमल इंजर्ड हो चुके हैं दोस्तों, वीर सैमी पॉली इंजर्ड हो चुके हैं दोस्तों, तो उसमें टोटल बचते हैं 12। तो 12 में से अभी उनको 11 खिलवाने हैं, जिसके अंदर हम अभी बात कर लेते हैं, चैडविक, एंड्रे, मारून सैमुअल, जैसन मोहम्मद, दिनेश रामदीन, रोमन पॉवर, किम पॉल, रियाड एमरिट, किशरिक विल्सन और सैमिन बद्री खेलने वाले हैं। तो वीर सैमी परमल के यहाँ पे कौन खेलेगा, यहाँ पे दो बचते हैं स्क्वाड में देखा जाए तो, ये हो चुके हैं बाहर। तो एक तो एंड्रे अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, यहाँ पे स्मिथ अगर बॉलर के साथ जाना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो वीर सैमी की जगह पे दो लोगों का चांस है। अगर बैट्समैन के साथ जाएगी तो एंड्रे, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, अच्छे ठीक ठाक बैट्समैन है T20 के, और अगर बॉलर के साथ जाने तो ओशन स्मिथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ टीम को बॉलर के साथ जाएगी, वीर सैमी एक बॉलर थे तो बॉलर की जगह बॉलर को रिप्लेस किया जाएगा, पर अगर बैट्समैन चुनती है तो एंड्रे मैकरेट के साथ जा सकती है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा एक रिस्की होगा अगर आप चुनते हैं, तो मैं कहूँगा आप इन दोनों को ही छोड़ दीजिएगा, उसमें मौलिक की टीम खेल रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको मुझे अभी एक ड्रीम 11 टीम दिखाया था मेरी। और दोस्तों, बहुत से लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि दोस्त सर, जो आप टीम देते हैं वो अलग होती है और जिससे आप खेलते हैं वो अलग होती है। दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी चॉइस होती है, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपको क्या पिक करना है क्या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिनेश रामदीन ले रखा है, आप यहाँ पे सरफराज अहमद भी ले सकते हैं। अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हैं दोस्तों, तो टॉस होने के बाद ही कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कीजिएगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है दोस्तों, तो आप सरफराज अहमद के साथ जाइएगा, और अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी, वेस्ट इंडीज़ अगर 120-140 भी बना लेती है तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से सरफराज अहमद की बैटिंग आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और इस मैच में आसिफ अली को प्रमोट किया जा सकता है सरफराज अहमद के ऊपर, इसलिए अगर आप हल्ला प्ले में खेल रहे हैं तो टॉस खेलने के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और ड्रीम इलेवन में तो पहले ही ज्वाइन करना होता है, तो आप दिनेश रामदीन और सरफराज अहमद दोनों के साथ जा सकते हैं। और बैटिंग में मैंने यहाँ पे बाबर आजम को ले रखा है, फ़खर जमान, एंड्रे फ्लेचर और चैडविक वेल्टन को ले रखा है। आप यहाँ पे शुएब मलिक को भी ले सकते हैं, पर वो काफ़ी लो आते हैं, इसलिए मैंने उन्हें पिक नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे अहमद शहजाद आज नहीं खेलेंगे, ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों, अहमद शहजाद यहाँ पे नहीं खेलेंगे। और जैसन मोहम्मद खेलने वाले हैं, आसिफ अली भी खेलने वाले हैं, एंड्रे मैगरेट का जैसे मैंने आपको बता दिया है, स्मिथ और एंड्रे मैगरेट के बीच में 50-50% चांसेस हम कह सकते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आप आसिफ अली, जैसन मोहम्मद, अहमद शहजाद नहीं खेलेंगे, बाबर आजम, फ़खर जमान, एंड्रे फ्लेचर, चैडविक वेल्टन और शुएब मलिक में से किसको भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार पिक किए हैं दोस्तों, और यहाँ पे मारून सैमुअल्स, फहीम अशरम, रोमन पॉवर, मोहम्मद नवाज और हसन तलत सभी ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। मैंने इसमें मारून सैमुअल्स और हसन तलत को पिक किया है, हसन तलत काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया था नेक्स्ट मैच में, विकेट भी लिया था और कुछ रन भी स्कोर किए थे दोस्तों। और इस बार भी वो सेकंड थर्ड डाउन खेलने और थर्ड पे आएंगे खेलने, तो काफ़ी अच्छे रन स्कोर करेंगे दोस्तों। हसन तलत को आप ज़रूर पिक कीजिएगा। और यहाँ पे बॉलर्स में मैंने हसन अली, मोहम्मद आमिर, रियाड मैमरेट और किम पॉल को पिक किया है दोस्तों। पॉइंट्स का आप देख सकते हैं, अभी भी एक पॉइंट बचा है दोस्तों, तो अगर आप पिक कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स का ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा दोस्तों, तो आप किसी भी पिक कर सकते हैं। आप किसी विल्सन को भी पिक कर सकते हैं, और यहाँ से
साइना अफरीदी रिस्की हो सकते हैं, खेलेंगे तो मोहम्मद आमिर क्या, खेलेंगे शामिल बद्री, शादाब खान, आप पिक कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं अपना कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बता देता हूँ दोस्तों। आप इस कैप्टन वाइस कैप्टन फ़खर जमान को बना सकते हैं, जिसे पिछले मैच में काफ़ी लोगों ने बनाया था, अच्छा विन किया था। बाबर आजम को बना सकते हैं, मारून सैमुअल्स, हुसैन तलत, एंड्रे फ्लेचर को बना सकते हैं दोस्तों। और बॉलर्स में जाना चाहें तो बॉलर्स में मोहम्मद आमिर ठीक ठाक ऑप्शन हो गए, कैंपेलो, इनका बनाना है तो वाइस कैप्टन बनाएगा दोस्तों। और कैप्टन बनाना है उसमें हुसैन तलत, और या हुसैन तलत का पिक कर सकते हैं, मारून सैमुअल्स, बाबर आजम और फ़खर जमान और एंड्रू फ्लेचर, ये ऑप्शन दोस्तों। विकेट कीपर में आप ग्रैंड इलेवन टीम में तो आप टॉस के पहले ही टीम क्लोज हो जाता है कॉन्टेस्ट, तो आप सोच समझ के लिएगा दोस्तों। मैंने दिनेश रामदीन को पिक किया है सोच के कि अगर वेस्ट इंडीज़ टीम की पहले बैटिंग आती है तो अच्छा स्कोर कर जाएंगे, और क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले स्कोर बैटिंग आती है तो दिनेश राम की बैटिंग ज़रूर आएगी, और अगर उन्होंने कम स्कोर किया तो सेकंड बैटिंग में पाकिस्तानी सरफराज अहमद को शायद ही बैटिंग मिल पाए दोस्तों। ये सोच के मैंने ये टीम क्रिएट की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई अपडेट आता है दोस्तों तो ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्विटर मेरा प्रोफाइल का लिंक है दोस्तों, उसे आप फॉलो कर लीजिए। और मैच के 5-10 मिनट पहले तक कोई अपडेट आती है तो मैं ट्विटर पर वहाँ एक छोटी सी पोस्ट डाल दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।